हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, क्या आपके वी आई के सिम में डाटा ओपन करने के बाद नेट नहीं चल रहा है? जैसा कि दोस्तों आप यहां पर देख सकते हो कि मैंने डाटा को ओपन करके रखा है, बट यहां पर नेट नहीं चल रहा है। नेट स्पीड यहां पर ई दिखा रहा है। तो दोस्तों, अगर आपके भी वी आई के सिम में कुछ इस तरीके का प्रॉब्लम हो गया है कि नेट स्पीड आपका ई दिखा रहा है, 4G या 5G नहीं पकड़ रहा है, तो आप इस प्रॉब्लम को किस तरीके से फिक्स कर सकते हो, यानी कि वी आई के सिम में नेटवर्क प्रॉब्लम को किस तरीके से आप सॉल्व कर पाओगे, आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं विदाउट टाइम वेस्ट के। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको अपने फ़ोन की सेटिंग को ओपन कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, हम अपने फ़ोन की सेटिंग को ओपन कर लेते हैं। फ़ोन की सेटिंग को ओपन करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है। और नीचे आने के बाद दोस्तों, यहीं पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है सिस्टम का, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। सिस्टम वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहां पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है रीसेट ऑप्शंस का, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहां पर आपको फर्स्ट नंबर पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा रीसेट वाईफाई मोबाइल एंड ब्लूटूथ का, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है नीचे के साइड में रीसेट सेटिंग्स का, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। और इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपके तो आप अपने लॉक स्क्रीन को यहाँ पर खोल लीजिएगा। जो भी आप लॉक स्क्रीन पर लगाए होंगे, उसे आपको यहाँ पर ओपन कर लेना है लॉक को। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा रीसेट ऑल नेटवर्क सेटिंग्स यू कैन अंडो दिस एक्शन का। तो दोस्तों, यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन देखने को फिर से मिल जाता है रीसेट सेटिंग्स का, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपका नेटवर्क सेटिंग हैज़ बीन रीसेट हो जाएगा, यानी कि आपका नेटवर्क प्रॉब्लम जो भी रहेगा वो सॉल्व हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर पहले ई कनेक्शन पकड़ रहा था, यहाँ पर आप देख सकते हो कि EDG आ रहा था डाटा के नीचे, अब यहाँ पर 4G स्पीड पकड़ लिया, यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हो कि 4G स्पीड पकड़ा हुआ है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप VI के सिम से नेटवर्क इंटरनेट प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो दोस्तों, ये रही छोटी सी जानकारी। अगर आपको जानकारी थोड़ा सा भी हेल्पफुल और अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।